वेलकम दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे पैरेलल लाइन सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, चलिए। 12 व्यक्तियाँ दो समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, जिसमें 6 व्यक्ति प्रत्येक पंक्ति एक दूसरे के साथ बराबर दूरी पर बैठे हैं। पंक्ति एक एल एम एन ओ पी क्यू, एल एम एन ओ पी क्यू, जिनके चेहरे दक्षिण दिशा की ओर हैं। फिर आपके हैं डी ई एफ जी एच आई, जो कि उत्तर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दी की व्यवस्था में प्रत्येक पंक्ति में बैठे व्यक्तियों के चेहरे एक दूसरे के समान है। ठीक है, जिसका चेहरा एम की ओर है वह ई के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। जिसका चेहरा एम की ओर है वह ई के बाएं को तीसरे स्थान पर, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, इस टाइप से बैठेगा। आगे देखिए, ना तो ई ना ही क्यू पंक्ति किसी अंतिम छोर पर है, कि ई और क्यू जो है किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है। आगे देखते हैं, एम और ओ के मध्य केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। एम और ओ के मध्य केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। जिसका चेहरा ओ की ओर है आई के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। जिसका चेहरा ओ की ओर है आई के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, आई, ऐसे हो जाएगा। आगे देखिए, जिसका चेहरा डी की ओर है पी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। जिसका चेहरा डी की ओर है वो पी के दाएं को दूसरे स्थान पर, ठीक, पहला, दूसरा। आगे देखिए, पी एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। पी जो है वो एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एम और एल के मध्य दो व्यक्ति बैठे हैं। एम और एल के मध्य दो व्यक्ति बैठे हैं। आगे देखिए, एफ एच के मध्य दो से ज़्यादा व्यक्ति बैठे हैं। एफ और एच के मध्य दो से ज़्यादा व्यक्ति बैठे हैं। जिस व्यक्ति का चेहरा एच की ओर है, ज़रा इस कंडीशन को देखिएगा, जिस व्यक्ति का चेहरा एच की ओर है और क्यू के मध्य एक से ज़्यादा व्यक्ति बैठे हैं, तो प्लस वन क्यू इस तरफ भी हो सकता है और प्लस वन क्यू इस तरफ भी हो सकता है। इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ बना लेते हैं। 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए शुरुआत कहाँ से करेंगे। देखिए, करा ई आपका यहाँ पर क्या है, ये एंड पर नहीं था। इसको ऐसे करेंगे, ई और क्यू एंड पर नहीं था, तो एंड पर नहीं है तो ई से शुरुआत करेंगे। तो ई यहाँ नहीं आएगा आपका, ई यहाँ आएगा, क्योंकि देखिए ई के इस तरफ चलना है, तो इसलिए हम ई को इस तरफ से ही मानेंगे। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, एम आपका यहाँ आ जाएगा। एक कंडीशन में ई को यहाँ मान लेंगे तो एम आपका यहाँ आ जाएगा, इसके अलावा ई आपका कहीं भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये कंडीशन आपकी क्लियर हो गई, इसको छोड़ दीजिए। एम और ओ के मध्य तीन लोग हैं, 1 2 3, ओ आपका यहाँ आ जाएगा, एक बार ओ आपका यहाँ आ जाएगा, इसको हटाइए। एम और एल के मध्य दो लोग हैं, तो एम और एल के मध्य एल यहाँ आ जाएगा, एल यहाँ आ जाएगा, इसको हटा दीजिए। अब ज़रा देखिए, कह रहा है कि पी और एम पड़ोसी नहीं है, तो इस कंडीशन में आप देखिएगा, पी यहाँ नहीं आ पाएगा, पी यहाँ नहीं आ पाएगा, तो पी के लिए मात्र एक जगह है। इसमें देखिए, पी आपका यहाँ नहीं आएगा, तो पी यहाँ आएगा या पी यहाँ आएगा। लेकिन अगर पी यहाँ आता है, तो अगर आप एक कंडीशन देखेंगे, पी के फर्स्ट, सेकंड, एल, एल के नीचे आपका ई है और यहाँ पर ये डी आना चाहिए, तो पी भी आपका यहाँ नहीं आ पाएगा, तो पी के लिए मात्र ये जगह है, तो 1 2, ये डी आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये भी कंडीशन आपकी हो गई। अब यहाँ पर आपसे बोला था क्यू एंड पर नहीं आएगा, तो क्यू आपका यहाँ नहीं आएगा, तो क्यू यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से क्यू आपका यहाँ नहीं आएगा, तो क्यू आपका यहाँ आ जाएगा, ये भी कंडीशन खत्म हो गई आपकी। जरा देखिए, ओ 1 2 3 4 आई, ओ 1 2 3 4 आई आपका यहाँ आएगा, ऐसे ही ओ 1 2 3 4 आई आपका यहाँ आ जाएगा। अब जरा ये भी कंडीशन आपकी खत्म हो गई। ठीक है, पी के साथ एम नहीं बैठेगा, ये भी खत्म हो गया। अब ये दो बार आपके बचे हुए हैं, इसको यहाँ पर रखना है। चलिए, तो आपका n बचा, तो n मैंने यहाँ कर दिया और इसमें n यहाँ कर दिया, ऊपर बचा था n। अब ज़रा देखिए, f और h के बीच में दो से ज़्यादा लोग हैं, तो f को अगर मैं यहाँ रख दूँ, h को यहाँ रख दूँ, या h को यहाँ रख दूँ, f को यहाँ रख दूँ, तब भी दो से ज़्यादा लोग तो नहीं हो पाएंगे, दो ही लोग हैं, तो पहली कंडीशन आपकी ख़त्म हो गई। इसमें ज़रा देखिए, अच्छा इसमें एक कुछ और आपका रह गया था अभी, क्या रह गया था, ये p के बाद d रह गया था, 1 2, d आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ज़रा देखिए इसको देखते हैं। Q के जहाँ आपका H होगा, उस मान ली, अगर मैंने H को यहाँ रखा,
तो एच के ऊपर जो भी है और क्यू के बीच में देखिए एक से ज़्यादा गैप होगा, नहीं हुआ, तो ये तो कंडीशन आपकी नहीं होगी। अगर मैं एच को यहाँ रखता हूँ तो एच के सामने तो एक से ज़्यादा, एक ही तो है लेकिन आपको एक से ज़्यादा चाहिए, ये भी आपका नहीं हो पाएगा। तो एच के लिए मात्र कौन सी जगह है, ये है एच के सामने, और देखिए एक से ज़्यादा यहाँ पर दो लोग हैं, ये रख दिया मैंने। अब एच और एफ के मत दो से ज़्यादा लोग आएंगे तो 1 2 3 4, बिल्कुल यहाँ पर आपका एफ आ जाएगा, दो से ज़्यादा हैं, एक आपका बचा क्या जी, तो जी आपका यहाँ आ जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी था, ट्रिकी नहीं मैं कह सकते इजी था, बस ये थोड़ा आपको पॉइंट समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो ये कंडीशन लिखने में थोड़ी आपको परेशानी होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा अजीब था, वरना तो सब कुछ ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।